नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर एम पीके साहू से जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस संडे कमेंट्स में आज के कमेंट्स को मैंने पढ़ा और जो दो तीन पॉइंट या तीन चार पॉइंट को उठा के मैं बताऊंगा। साथियों, मेरे द्वारा जितना भी बताया गया जानकारी एक संभावना रहित होती है। इसमें मैं अपने स्तर पर जितने जानता हूँ बताने का प्रयास करता हूँ और आप भी इस स्तर को दूसरे से जानने का प्रयास करें, समझें उनको और इसको एकदम ही लेके नहीं चलना चाहिए आपको। आपको भी अपने स्तर से जानकारी लेने की आवश्यकता है। आप कमेंट्स करते हैं, मैं उसके उत्तर में जितने भी बन सके उस प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अंतिम जो जानकारी होती है वो तो विभाग द्वारा ही आपको जानकारी मिल सकती है, जो भी जानकारी है, लेकिन मेरे द्वारा केवल संभावना सहित आपको जानकारी मिलेगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ संडे कमेंट्स में, है ना, पीएच है जो मेडिकल बोर्ड से जो प्रमाण पत्र बनता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब पीएच का कैटेगरी वाइज किस प्रकार से ले सकते हैं, जो पद भरेंगे वो किस प्रकार से ले सकते हैं, ये आपको बताऊंगा। स्थानीय भर्ती को लेकर के लोगों ने सहायक शिक्षक में कमेंट्स किए थे और एक था आपका सेकंड वेरिफिकेशन, जो स्थानीय भर्ती हो क्या सेकंड वेरिफिकेशन जो बचा हुआ शेष है क्या सेकंड वेरिफिकेशन निकलेगा, तो ये सहायक शिक्षक के दोनों के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पीएच के लिए, तो पीएच का जो भर्ती है, जैसे कि मैंने बोला कि 7%, आप देखेंगे 7% पूरे पद का 7% निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से भर्ती लेंगे या ले सकते हैं, एक संभावना रहित। ठीक है, तो देखो आप सकते हैं यहाँ पे ईआर में 282 है, 282 का 7% अलग करूँ तो 20 लोग होते हैं, एससी का 7% निकालूँ तो 5 लोग होते हैं, 214 का 7% निकालूँ तो 14 होता है, ओबीसी का 7% निकालूँ तो लगभग 7 तक जाता है। ठीक है, अब टोटल जो है इसका 670 पोस्ट होता है, टोटल 670 पोस्ट का 7% 46 होता है पीएच, जिसमें ईएक्स भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो मैंने कई लोग ये प्रश्न पूछा था किस प्रकार से लेंगे, हमको समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी सी बताएंगे, तो मैं उसी के आधार पर उसके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो टोटल 46 है और इस टोटल 46 ऐसा नहीं है कि इसको अलग है, ये टोटल 670 है और टोटल 670 में ही सम्मिलित है, इसको अलग से गिनती नहीं किया जाता। ये केवल निकाल के बताया गया है कि टोटल पोस्ट में 46 पीएच या ईएक्स होना चाहिए। ठीक है, ये पीएच का कॉलम दिया जाता है, ईएक्स नहीं लिखा जाता इसमें, लेकिन होना चाहिए ये बोला जाता है 7%। ठीक है ना, तो इसको किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी दो संभावनाएं हैं कैटेगरी वाइज। देखिए 46 को ऐसा नहीं है कि 46 को पूरा एक साथ लिया जाएगा, एसटी एससी ओबीसी किसी को भी ऐसे लाइन से नहीं लिया जाएगा, उसको कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा। देखिए ईआर में 7% लेते हैं तो 20 लोगों को, 20 लोगों का पीएच ईएक्स यहाँ आ जाएगा। एससी का 80 पोस्ट है, देखो एक उदाहरण के रूप में लिया हूँ मैं पोस्ट को, यदि इतने इतने पोस्ट है तो किस प्रकार से हो सकता है, तो एससी में यदि 80 पोस्ट है तो 5 पीएच या ईएक्स यहाँ आ जाएगा। एसटी का 214 तो 7% 14 लोगों को लिया जाएगा, ओबीसी 94 तो 7 लोगों को यहाँ लिया जाएगा। मतलब ये जो 46 पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज इस प्रकार से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें ओबीसी 20 जनी है तो पूरा 20 जनी को लेंगे, ऐसा नहीं है, 20 केवल और केवल पोस्ट के 7% ही ओबीसी यहाँ आएगा और एसटी का 7% यहाँ आएगा, एसटी का 7% यहाँ आएगा और ईआर का 7% यहाँ आएगा। टोटल ऐसा नहीं है कि किसी को भी ले लिया जाएगा 46, उसको एक कास्ट में बांटा जा सकता है या बांटा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे अब यहाँ पे अलग से लिया गया है उधर, तो यहाँ पे जब पोस्ट देखो आप कितना हो गया, 282 और 20 कितना हो गया, 300 कितना हो गया, 2 हो गया, 302 हो गया ना ये वाला, है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ 302 ऐसे नहीं जोड़ना है, 282 में ही सम्मिलित है ये 20, 282 में ही सम्मिलित है ये 20, 80 में ही सम्मिलित, मतलब अब 75 हो जाएगा ये और 5 क्या हो जाएगा, पीएच वाला हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 214 में 200 क्या हो जाएंगे और 14 क्या हो जाएंगे आपके, पीएच वाला हो जाएंगे। यहाँ आपका यहाँ पर देख सकते हो
87 प्लस 7 हो जाएगा, मतलब पीएच कितना आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ 20 पीएच वालों को यहाँ ले लेंगे, जो भी होगा एसटी एससी ओबीसी पूरा यहाँ आ जाएंगे, कोई भी अनरक्षित में कोई भी आ जाते हैं। 75 लेने के बाद 5 कम से कम यहाँ पे आपका पीएच वाला आ जाएंगे, एसटी में 14 पीएच आ जाएंगे, इस प्रकार से कैटेगरी वाइज इसको बांटा जाएगा। दूसरी संभावना क्या आपको देखिए, आप देखेंगे अधिकतम जो है पीएच जो है बैकलाग में चले जाते हैं। बैकलाग में क्यों चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है ये वाला। उदाहरण के लिए ऐसा संभव हो सकता है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारी लिया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, इसको अन्यथा ना ले, ठीक है। 5, 14 और ये 7, अब हो सकता है कि टोटल जो है 46 पोस्ट है 7% का, 7% 46 निकला, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे केवल और केवल जो है 36 पात्र होते हैं, केवल 36, 10 पोस्ट बच गया ना इसका, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ से भले यहाँ पे 20 है, ईआर में 20 है, लेकिन कैटेगरी वाइज पहले बांट दिया जाएगा, जैसे 5, 14 और ये 7 कितना हो गया, 14 और 5 19, 19 7 कितना हो गया, 26, ठीक है, 26 पूरा बांट दिया जाएगा। दूसरी ऐसा हो सकता है 26 बांट दिया जाएगा, अब देखो 26 बांट दिया गया पूरे कास्ट में, इसमें नहीं लिया है, देखो इसमें नहीं लिया है अभी, मैं दूसरी संभावना बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, देखो ये वाला, ठीक है, ये और 10 ये बचा, 36 था अब 10 बचा, 26 तो हो गया ना, अब 10 बचा, अब 10 यहाँ ले लिया जाएगा। मैं मानता हूँ कई लोग इसमें कमेंट्स करेंगे मुझे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ संभावना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बता रहा हूँ मैं, गलत ना समझे, ठीक है। 10 पोस्ट यहाँ आ गया, टोटल 36 हो गया, अब 10 पीएच का बच गया, 10 पीएच का बच गया किसका, यूआर का, तो ये जो है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो फ्रेशर है, फ्रेशर उसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संभावनाएं बनती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 20 मान लीजिए 20 है पूरा, केवल 20 है, लेना है 46 पोस्ट और लेना है 46 पोस्ट, तो 20 के 20 तो अनरक्षित में आ गए, तो ये कैटेगरी का जितने भी पीएच है वो क्या हो जाएगा, बैकलाग में चला जाएगा, इसको कन्वर्ट नहीं करते। इसका कन्वर्ट हो सकता है फ्रेशर में, लेकिन इसका कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बैकलाग में चले जाएंगे, नेक्स्ट समय काम आएगा। ये रहा कैटेगरी से थोड़ी सी जानकारी। और इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि सर हमारा तो जिला चिकित्सा अधिकारी से हमने जो प्रमाण पत्र बनाए हैं उसको अपात्र कर सकते हैं या कर रहे हैं, है ना, जिसमें एक डॉक्टर दो डॉक्टर लिखा है, मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया ऐसा लिखा गया है। तो मैं एक बात बताना चाहूँ, मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट यदि मांगा जा रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ उसका आधार पर बता रहा हूँ, मांगे जा रहे हैं तो जिला चिकित्सा में जो बस रहता है जिला चिकित्सालय में, उसमें एक कमेटी रहती है डीन के साथ सीएमओ के साथ, तो उसमें 4, 5 या 6 डॉक्टरों का समूह होता है, एक कमेटी होती है, तो सभी का अलग अलग, जैसे कोई बहरा है, कोई गूंगा मतलब आँख से है, कोई पैर से है, कोई हाथ से है, तो इस प्रकार से सबकी कमेटी बनी होती है, ठीक है। तो सबका उसमें आपका सील साइन होना बहुत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से हो सकता है पात्र किए होंगे, इसके बारे में उतना नहीं जानता मैं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि सभी डॉक्टरों का जो कमेटी बनाई जाती है 4-5 लोगों का, उसका सील साइन मांग रहे होंगे, उसी को बोल रहे होंगे मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड को उसी को बोलते हैं कि उसका 4-5 कमेटी बनी होती है 4-5 लोगों का, डॉक्टरों का, डीन का, सीएमओ का, तो उसका सील साइन लगता है, तो उसको ही पात्र कर रहे होंगे ऐसा मेरा मानना है। और आप चाहे तो और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दूसरी है हमारा, ये दूसरा हो गया। तीसरा है हमारा पॉइंट है कि जो एक प्रश्न पूछे गए हैं मुझे कि यदि 2000 लोगों के लिए अभी वेरिफिकेशन हुआ है, अभी स्थानीय भर्ती का अभी चल रहा है, पेंडिंग है, तो 2000 लोगों के लिए वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, लगभग 4000 लोगों को बुलाया गया है, अब मान लो जाए 2500 लोग पात्र होते हैं, 2000 लोग लग गए, तो 500 लोगों को क्या किया जाएगा, ऐसा मतलब प्रश्न है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि
इसमें दो उत्तर मिलेगा आपको। यदि स्थानीय भर्ती नहीं होती, स्थानीय भर्ती होती है तो ये शेष रह जाएगा, क्योंकि कंप्लीट हो गया, ये शेष रह जाएगा, ये मैदानी एरिया वाले होंगे तो। और यदि ये स्थानीय भर्ती लोग इसमें सम्मिलित है 500 में जो शेष बचा हुआ है, जो सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है, इधर के लोग होंगे तो उसको उस उधर भी ले लिया जाएगा, मतलब जो स्थानीय भर्ती है वहाँ भी चला जाएगा ये। लेकिन मैदानी एरिया वाले के बच रहेंगे और इसमें स्थानीय भर्ती होती है तो शेष रह जाएंगे, उसको कोई नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्थानीय भर्ती नहीं होती है, स्थानीय भर्ती नहीं होती है तो ये जो 2000 पोस्ट और जो बचा हुआ है, जैसे हम मानते हैं कि स्थानीय भर्ती में 2000 बचा हुआ है तो वहाँ इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वहाँ इसको लिया जाएगा, ठीक है। और चौथा सवाल है कि क्या 2000 जो पोस्ट बचा है क्या उसके लिए वेरिफिकेशन लिस्ट निकलेगा या कब निकलेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इससे संबंधित मैंने वीडियो बना दिया है। तो मैंने एक बात और फिर से बोलूँगा कि भले ही 2000 लोगों के लिए स्थान मैदानी एरिया के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक फॉर्मेट मंगाया गया था जो स्थानीय भर्ती होती है, जैसे सरगुजा बस्तर इधर के लिए एक फॉर्मेट हम भरे गए हैं, तो सीधी सीधी से बात है कि उधर के लिए भी सत्यापन हो चुका है। यदि स्थानीय भर्ती नहीं होती है, जो पेंडिंग पड़ा है, रिजल्ट आता है शासन के, अभी शासन के पक्ष में आता है, स्थानीय भर्ती नहीं होती है तो उनके लिए भी सत्यापन हो चुका है। अब बुलाया गया है 4048 लोगों को, तो ये समझ लीजिए कि पूरे पद के लिए अभी वेरिफिकेशन हो चुका है, ऐसा मान के चलिए। तो 2000 जो पोस्ट अलग से आप बोल रहे हो उसके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं बुलाया जाएगा। वो जब पात्र अपात्र लिस्ट निकल जाएगी और जो पोस्ट बचा रहेगा, जैसे एसटी का पोस्ट से कम लोगों को बुलाया गया है तो इनका तो लिस्ट तो आना तय है, लिस्ट तो आना तय है। अब वेरिफिकेशन में सेकंड वेरिफिकेशन कब बुला सकते हैं, जब स्थानीय भर्ती होगी तो, क्योंकि 2000 पोस्ट किसके लिए होना है, स्थानीय भर्ती वालों के लिए होना है। यदि होता है तो उनके लिए वेरिफिकेशन बुला सकते हैं, यदि नहीं हुआ तो अभी 2000 के लिए वेरिफिकेशन नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त कैंडिडेट मिल चुका है 4048 एसटी को छोड़ करके, क्योंकि एसटी को जितना पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग कम बुलाया गया है, लेकिन आपके अनारक्षित ओबीसी एससी इस सब को पोस्ट से अधिक बुलाया जा चुका है एसटी को छोड़ करके, ठीक है। इससे संबंधित डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरा, मैंने बना चुका है इसके बारे में। तो साथ ही थोड़ी सी जानकारी थी, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो आप लोग बोलते हो कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो वीडियो में यही सीमित करता हूँ, छोटी सी जानकारी थी। यदि और कुछ जानकारी चाहिए, पर्सनल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन बटन दबा दीजिए, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। लेकिन आपसे एक निवेदन है, जो कॉल्स करते हैं मुझे और मैं उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, है ना, लेकिन आप ज्वाइन बटन दबाते हो तो मैं उसका अलग से ग्रुप बनाऊँगा, आपका नाम नोट्स करूँगा, आप जैसे ही लगाएंगे कोई भी उठाए मेरा फ़ोन, यदि नाम आता है आपका ज्वाइन बटन वाला तो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। नहीं तो क्या है, इतने कॉल्स आते हैं तो थोड़ी सी बात करने में समय निकालना पड़ता है तो थोड़ा सा अटेंड नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नए नए अपडेट हम देते रहेंगे। अभी फॉर्मेट और आया है संविलियन को लेकर के, कमेटी बनाई जा रही है 5 मार्च 2019 से, 5 मार्च 2019 को जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है इसके बीच उसके बारे में चर्चा करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, मतलब बुलाया गया है ना, उसके बारे में भी चर्चा, और आप लोग जानते हो नोटिफिकेशन आ चुका है और धीरे धीरे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो एक खुशी की बात है, सकारात्मक जो पहल आपने लिया, सभी ने एकजुटता दिखाई, उसके आधार पर चल ही रही है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।